नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर जीरो को हल कीजिए। अवकल समीकरण जब भी आपके पास हल करने के लिए आएगी, आपको आपकी अप्रोच क्या रहती है? आप पहले शुरुआत करते हैं देखने से कि क्या ये पृथक हो सकते हैं। अगर ये पृथक हो जाए तो मतलब हम इसमें पृथक करणीय विधि लगाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इधर डी वाई रखेंगे और इधर डी एक्स रखेंगे तो क्या हम यहाँ पे इन चरों को अलग कर पाएंगे? आप देख रहे हैं कि dy के साथ x माइनस वाई है, जो कि अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो नहीं निकल सकता अलग, राइट? तो पृथक करणीय विधि से तो ये नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये समघातीय है, तो फिर हम इसको समघातीय समीकरण की विधि से कर देंगे। तो देखने में तो ये थोड़ा समघातीय लग रहा है, तो हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि दी गई समीकरण समघातीय है या नहीं है। आपको जो समीकरण दी है एफ एक्स वाई वो है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर जीरो, ठीक है? और अब हम यहाँ पे x को बदलेंगे लैम्डा x से और y को बदलेंगे लैम्डा y से, तो ये होगा लैम्डा x माइनस लैम्डा y डी वाई माइनस लैम्डा x प्लस लैम्डा y डी एक्स बराबर जीरो। यहाँ से लेमडा कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डी वाई माइनस, यहाँ कॉमन आएगा तो ये होगा x प्लस वाई डी बराबर जीरो। लेमडा कॉमन लिया तो ये आया x माइनस वाई डी वाई माइनस x प्लस वाई डी बराबर जीरो। अब ये जो पूरी समीकरण है ये यही वाली समीकरण है ना, आपको क्या मिला इससे लैम्डा एफ एक्स वाई, राइट? जब आपने एफ में एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से बदला तो आपको क्या मिला, लैम्डा की घात एन एफ एक्स वाई मिला और एन का मान क्या है यहाँ पे, एक। तो अतः दी गई अवकल समीकरण कैसी है, किस चीज के लिए चेक किया हमने, समघातीय के लिए ना, तो दी गई अवकल समीकरण समघातीय है। तो इस समघातीय समीकरण को आप कैसे हल करेंगे? आप यहाँ पे y को vx रखते हैं, तो vx रखने पर आप इसको हल कर पाएंगे, राइट? तो यहां से आपको dy by dx का मान क्या मिलेगा, dy by dx बराबर प्लस x dv by dx। इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। समीकरण क्या है, x माइनस y dy by dx माइनस एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, यही हमारे पास समीकरण। पूरी समीकरण को dx से भाग कर दिया जिससे कि यहाँ पे dy by dx बन सके। अब यहाँ पे हम इसके मान रखेंगे, तो ये है x माइनस y का मान कितना है vx है, तो यहाँ आएगा vx। फिर dy by dx, dy by dx का मान क्या है v प्लस x dv by dx माइनस x प्लस y, y का मान फिर से vx, तो यहाँ रखा vx बराबर जीरो, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे और इसका हम पृथक्करण करेंगे, तो इसको हल करके क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं कि ये होगा xv माइनस ये होगा v स्क्वायर x प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर v एक्स स्क्वायर dv बाय dx माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर वी डी वी बाय डी एक्स माइनस एक्स माइनस वी एक्स बराबर जीरो। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है? यहाँ पे प्लस का वी एक्स और माइनस का वी एक्स कैंसिल हो रहा है, राइट? और क्या हो सकता है इसमें? हमें कुल मिला के यहाँ पे चरों का पृथक्करण करना है ना? तो अब ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग ले लेते हैं। कैसे? ये देखिए, ये है माइनस वी स्क्वायर एक्स और ये है माइनस एक्स बराबर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी वी बाय डी एक्स और ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर वी डी वी बाय डी एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन लेके ये होगा वी स्क्वायर प्लस वन बराबर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर डी वी बाय डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर आया माइनस वन प्लस वी और यहां से डी वी बाय डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं? आप देख रहे हैं कि प्लस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब वी वाले एक साइड ले लेंगे, एक्स वाले एक साइड ले लेंगे, डी एक्स को हम बाएं पक्ष में रखेंगे, ये होगा माइनस का डी एक्स बराबर, ये एक्स भी यहाँ पे एक बचा हुआ है, ये इसके हर में आ जाएगा और यहाँ पे है वी माइनस वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी। आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया? डी वी को इधर दाएं पक्ष में रखा और डी एक्स को बाएं पक्ष में रखा। यहाँ पे जो एक्स बचा हुआ था इसको डी एक्स के साथ लिया, तो जब ये बाएं पक्ष में हमने इसको शिफ्ट किया तो यहाँ पे इसको हर में डाल दिया, और जब डी वी के साथ हमने वी को लिया, वी माइनस वन यहाँ यहीं पे था, वन प्लस वी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड लेके आए तो ये हो गया वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करना है? जब ये पृथककरण हो जाए तो आपको दोनों पक्षों का समाकलन करना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? जब आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये होगा माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, समाकलन वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस समाकलन वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, ठीक है? अब बस कुछ भी नहीं बचा, अब हमें इनका समाकलन करना है अलग अलग और हमें इस अवकल समीकरण का हल मिल जाएगा। तो इनका समाकलन करने पर आपको मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बराबर, यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा इसका समाकलन करने के लिए, और प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग से समाकलन करने पर आपको मिलेगा लॉग वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस, इसका समाकलन होगा टेन इनवर्स वी प्लस सी, हो जाएगा इतना। अब अगला स्टेप क्या रहेगा बताइए? मेरी तरफ से ये समाकलन इसका कंप्लीट हो गया है, अब आप बताइए इसमें अभी क्या कमी रह रही है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, यहाँ पे हमें इस v का मान प्रतिस्थापित करना है। हमने y बराबर वी एक्स रखा था, यहाँ से v का मान आएगा y अपॉन एक्स, वो मान हमें यहाँ पे v के स्थान पर वापस रखना है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बराबर एक बटा दो लॉग वन प्लस v का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स, फिर इस v की जगह पर आएगा y अपॉन एक्स प्लस सी, राइट? क्या हम अभी भी और कुछ कर सकते हैं इसमें? हाँ, हम इन log वाले पदों को एक साथ लेके इसमें log का गुणधर्म प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो ये आंसर है ये थोड़ा सा छोटा और अच्छा दिखे। हम इसको लिख सकते हैं माइनस log x और इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये होगा माइनस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होल पावर वन बाय टू बराबर माइनस टेन इनवर्स y अपॉन x प्लस c। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो आप देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, और लॉग ए प्लस लॉग बी आप क्या लिख सकते हैं?
लॉग ए बी, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए मतलब कि एक्स और बी मतलब कि ये वाला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और एक्स स्क्वायर की घात 1/2 आप एक्स लिख सकते हैं, इस एक्स से ही कैंसिल भी हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। हम चाहे तो इस माइनस को भी कैंसिल कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट माइनस का हो सकता है, या फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। यहां से हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ये होगा दी गई अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण dy by dx plus 2y tan x बराबर sin x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 होगा यदि x बराबर पाई बाय 3 होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन देख के घबरा जाएंगे कि इस समीकरण का हल करें कैसे। बच्चों ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको बस जब भी कोई अवकल समीकरण आ जाए आपको बिना ज्यादा परेशान हुए तो आपको बस ये सोचना है कि क्या इनको पृथक किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब एक्स वाले और वाई वाले अलग अलग नहीं हो सकते यहाँ पे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि क्या हम इसे समघातीय से कर पाएंगे। देखिए समघातीय से हमेशा कैसे फलन हल होते हैं, कैसी समीकरण हल होती है, ऐसी समीकरण जिसमें बीज गणितीय फलन होना वो वाली ही समघातीय से हल होती है। तो यहाँ पे तो tan x sin x त्रिकोणमितीय फलन आ रहे हैं, तो समघातीय से हल होना ही मुश्किल है। अब लास्ट क्या बचता है, रैखिक समीकरण। तो क्या ये रैखिक समीकरण के रूप में है? रैखिक समीकरण कैसी होती है, dy by dx होता है, ठीक है, वो यहाँ पे है, प्लस एक x का फलन होगा, उसके साथ y होगा और यहाँ पे एक x का फलन होगा। क्या ये इस रूप में है? आप देख रहे हैं कि dy by dx तो है, एक y भी है और एक x का फलन भी है, और यहाँ पे भी एक x का फलन है, तो बिल्कुल ठीक। अब आप समझ गए हैं कि ये रैखिक समीकरण की विधि से ही होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसी रूप में मिल रहा है। तो अब ये बताइए कि रैखिक समीकरण की विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि px और qx के मान लिख लेते हैं कि क्या क्या है। px का मान है 2 tan x और qx का मान है sin x, राइट? यहाँ पे जब हम इसके मान रख के हल करेंगे तो सबसे पहला काम हमें करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की घात समाकलन p dx, तो यहाँ आएगा e की घात समाकलन, p का मान है 2 tan x dx, tan x का समाकलन क्या आएगा, इसको हल करके आपको मिलेगा e की घात 2 समाकलन tan x dx। tan x का समाकलन आप लिख सकते हैं माइनस log cos x, है ना, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा e की घात 2, ऐसा कैसा आएगा, tan x का समाकलन हो जाएगा माइनस log cos x। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस 2 को इसकी घात में ले जा लेते हैं, तो इसको आप लिखेंगे e की घात, तो इसको आप लिखेंगे e की घात log, और जो ये cos x है इसकी घात हो जाएगी माइनस का 2, और आप जानते हैं e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ गए आप? अभी ये क्या आया, अभी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया sec स्क्वायर x, ये मान हमारे अभी आगे हल के काम आएगा। एक रैखिक अवकल समीकरण का हल आप कैसे देते हैं, उस समीकरण का हल आप देंगे y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q
गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी, वाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, सेक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्यू एक्स का मान कितना था, साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी, है ना। तो इसका समाकलन आप किस प्रकार कर सकते हैं, टेन एक्स सेक एक्स लिख सकते हैं, आप जानते हैं ये क्या है, साइन एक्स, ठीक है, और sec स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर, उसको अलग अलग तोड़ लेंगे कॉस स्क्वायर को, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स और वन अपॉन कॉस हो जाएगा sec x, राइट। समाकलन टेन एक्स sec x क्या होता है, sec x प्लस सी, तो y इंटू sec स्क्वायर एक्स बराबर sec x प्लस सी, ये इस अवकल समीकरण का हल आया, ठीक है। हमें जो प्रश्न दिया था वो था ये, अभी जो अवकल समीकरण का हल आया है वो ये आया है, लेकिन हमें जो प्रश्न दिया था उसमें सिर्फ व्यापक हल नहीं पूछा था, उसमें विशिष्ट हल पूछा था। अगर व्यापक हल पूछा जाता तो आप अपना उत्तर यहीं छोड़ देते, लेकिन विशिष्ट हल पूछा है तो यहाँ पे जो प्रतिबंध आपको दिया है उस प्रतिबंध को लगा के आपको यहाँ पे इसका मान देना है, ठीक है। प्रतिबंध को क्यों लगाना होता है, जिससे कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो सी होता है, इसका हमें मान मिल सके। देखिए कैसे, वाई का मान जीरो है, हम यहाँ पे वाई का मान रखेंगे जीरो, तो जीरो से ही पूर्णांक गुणा होके तो जीरो हो जाएगा, बराबर सेक एक्स का मान कितना है पाई बाय थ्री प्लस सी, तो इसको हल करके हमें सी का मान मिलेगा, सी का मान आएगा माइनस सेक पाई बाय थ्री, और सेक पाई बाय थ्री का मान क्या होता है वन अपॉन टू, तो ये आएगा माइनस वन अपॉन टू, सी का मान मिल गया हमें। तो अब जो हमसे विशिष्ट हल पूछा था वो क्या आएगा, वाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स, और c की जगह पर आएगा माइनस वन अपॉन टू, राइट। ये आया दी गई समीकरण का व्यापक हल, ठीक है। अवकल समीकरण sec स्क्वायर x टेन y dx प्लस sec स्क्वायर y टेन x dy बराबर जीरो का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक अवकल समीकरण दी है, इसका व्यापक हल निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी विधि से हल होगा। बताइए पहली विधि कौन सी होगी, पृथक्करणीय विधि। क्या ये पृथक्करणीय विधि से हो पाएगा, चलिए देखते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा रफली देखेंगे, ये है sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा माइनस का sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, हमें dy के साथ y वाले पद चाहिए और dx के साथ x वाले, तो ये जो 10y है हमें यहाँ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ जा सकता है, और x वाला जो 10x है ये यहाँ नहीं चाहिए तो ये यहाँ आ सकता है। इसका मतलब ये पृथक्करणीय विधि से हल हो जाएगा, ये पृथक हो पा रहे हैं ना, तो पृथक्करणीय विधि से ही ये हल होगा। तो अब हम इसको पृथक करने का प्रयास करेंगे, ये होगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस sec स्क्वायर वाई डी वाई, इस टेन वाई को हम दाएं पक्ष में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा अपॉन टेन वाई, और इस टेन एक्स को हम बाएं पक्ष में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा अपॉन टेन एक्स, ठीक है। अब इसका हल करना है, हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, समाकलन करने पर क्या मिलेगा हमें, ये होगा समाकलन sec स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स बराबर माइनस समाकलन sec स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका समाकलन करने के लिए हमें एक चीज मिल रही है कि टेन एक्स का अवकलन हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर हम टेन एक्स को टी लेते हैं तो ये हो जाएगा डी टी, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमें समाकलन करना है sec स्क्वायर x अपॉन टेन एक्स का, अगर हम यहाँ पे टेन एक्स को t ले ले
sec square x dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास समाकलन था इसमें से इस पूरे को तो हम लिखेंगे dt और ये था t, तो 1 अपॉन t का समाकलन हो जाएगा log t और t क्या है tan x, तो ये हो जाएगा log tan x। इसी तरीके से यहाँ पे y है sec square y अपॉन tan y, तो ये हो जाएगा log tan y, राइट? सही है ना? तो इसको आप लिखेंगे log tan x बराबर माइनस log tan y प्लस, हम यहाँ पे कांस्टेंट भी log में ही ले लेते हैं जिससे कि सारे log कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप और हल करेंगे तो ये होगा log tan x, ये माइनस का log tan y अगर हम बाएं पक्ष में लिखेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं प्लस log tan y बराबर log c। log a प्लस log b का सूत्र क्या होता है? log a b, तो आप इसे लिख सकते हैं log tan x गुना tan y बराबर log c। हम यहाँ पे इन दोनों पक्षों की तुलना करके ये लिख सकते हैं tan x गुना tan y बराबर c। ये आएगा इस दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल, ठीक है?